अस्सलाम वालेकुम के क्रिएशन पर आज हम सचुलेंट प्लांट उगाएंगे। इसको गोस्ट प्लांट भी कहते हैं। ये घर में भी उगाया जा सकता है इसको, और इसको हम बाहर गार्डन में भी उगा सकते हैं। ये इस तरह से होते हैं फूल। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसको करते हैं। बहुत ही आसान है। ये मैंने खाद इसमें लेके रखी हुई है। इसमें यूँ खाद पूरी आपने भर दी, हल्का सा थोड़ा सा आपने इसके ऊपर पानी डाल दिया। अब ये आप इसी में से जो बड़ा वाला पत्ता है पीछे का, ये देखें गिरा ना, ये बड़ा पत्ता इस तरह से लीफ सॉरी, ये इसको इस तरह से आप इसके ऊपर बस रख दें। इसको निकाला, सिर्फ इसके ऊपर रख दें, बस रख दें, कुछ नहीं करना। अच्छा, इसमें है ना, ये देखें ये फ्लैट है और यहाँ पे बम्पी है। बम्पी वाला हिस्सा नीचे होगा और फ्लैट ऊपर होगा। बस इसको इस तरह से हमको रख देना है। इसको इसी तरह से रख देंगे। बस इसको आप हल्का हल्का ही पानी देते रहें, कोई ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़े अरसे के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर में, यहाँ से ये देखें, ये गौर से देखें, ये पत्ते मैंने डाल के रखे हुए हैं और यहाँ पे ये देखो छोटे छोटे निकल आए हैं। छोटे छोटे फ्लावर यहीं से उगाएंगे, ये लीव्स निकल आएंगे सॉरी, फ्लावर की तरह लगते हैं। और ये देखें, ये और बहुत सारे हो चुके हैं, इतने खूबसूरत लगते हैं। इसको आप अपने विंडो पे भी लगा सकते हैं, गार्डन में भी लगा सकते हैं, घर के अंदर में भी लगा सकते हैं। इसको अच्छी तरह से बीट्स के साथ, या छोटे छोटे खूबसूरत पत्थर होते हैं, या फिर वो अपने खूबसूरत मार्बल्स होते हैं, उसके साथ आप इसकी डेकोरेशन करके आप इसको घर में भी सजा सकते हैं। और तेज़ धूप में जब ये होता है तो ये अपने रंग बदलता है, पीला से गुलाबी का कलर होने लगता है, फिर ग्रीनिश से ब्लूइश ग्रे की तरफ आ जाता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप नोट करेंगे इसके शेड में, अगर आपको नज़र आता है तो ये आप देखें, ये शेड देखो पिंकिश और यहाँ पर ब्लूइश, पिंकिश जैसा, रेडिश जैसा लग रहा है। ये देखें यहाँ पर भी, ये देखें ग्रीन भी है और ये भी शेड है। ये अपना रंग बदलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत लॉन्ग लास्ट है और बढ़ता ही रहता है, खुद ही खुद बढ़ता रहता है। और इतने सारे हो जाते हैं तो आप इसके एक से दो, दो से दस कर सकते हैं। शुक्रिया।